हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरोहित है और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं चेन कोड, जो इमेज प्रोसेसिंग का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो मैं यहाँ पे सीधा सम बताने वाला हूँ, थोड़ा सा थियरी बता लेता हूँ कि चेन कोड होता क्या है और कहाँ यूज होता है। तो चेन कोड यूज होता है इमेज रिप्रेजेंटेशन में। जब भी हम इमेज को रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां पे यूज होता है। कहाँ यूज होता है सुमेर इमेज रिप्रेजेंटेशन में? भाई ये जो चेन कोड है ये फोकस करता है एजेस पे, ठीक है, ये एजेस पे फोकस करता है, जिसके बेस पे ये शेप पता करता है कि किसी इमेज की शेप कौन सी है, समझ रहे हो? तो वो किस तरह से करता है, वो थ्योरेटिकल मैं आपको एक सम बताऊंगा और उसके बेस पे छोटा सा एग्जांपल बता दूंगा, जहां से आपको पता चल जाएगा कि हाँ किस तरह से यूज होता है शेप बताने को, ठीक है। तो सबसे पहले इस पे आ जाते हैं कि इसके सम्स पे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है ना। तो इसके सम्स पे आ जाते हैं, बीच में मच्छर विच्छर आएंगे तो यार क्या करूं, आज बहुत ही मच्छर है लेकिन वीडियो इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा सा इग्नोर करना मच्छरों को, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका सम पे। तो सबसे पहला सवाल आता है कि चेन कोड निकालते कैसे है किसी भी डायग्राम का। तो उसके लिए चेन कोड को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। चेन कोड को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं? दो तरीके। पहला है 4 पॉइंट और दूसरा है 8 पॉइंट। तो 8 पॉइंट बनाने का कुछ नहीं, प्लस बनाने का और उसमें क्रॉस मार देने का। क्या करने का? प्लस बनाने का, उसमें क्रॉस मार देने का। अब उसको 4 पॉइंट को लिखते कैसे है? तो ये साइड से। कौन से साइड से? मैं इसको ईस्ट बोलता हूँ क्योंकि मैं ईस्ट में रहता हूँ, समझ रहे हो? आप इसको हाँ राइट बोल सकते हो, अभी भी अपने को राइट लेफ्ट में कंफ्यूजन है बाबा, हाँ ठीक है। तो आप इसको राइट बोल सकते हो जो हिसाब से, यहां से शुरू होगा 0 1 2 3 एंटी क्लॉक वाइज, यहां पे भी 0 1 2 3 4 5 6 7 इतना क्लियर हुआ। तो दो पॉइंट दो टाइप के होते हैं चेन कोड, दो टाइप से हम रिप्रेजेंट करते हैं उनको। क्या होता है? 4 पॉइंट, दूसरा क्या होता है? 8 पॉइंट। इतना क्लियर हुआ? तो अभी तक तो बोलोगे ये क्या है सम पे, तो हाँ ठीक है आते चलो। तो मैं अब छोटा सेम सम लेता हूं जिसका मैं भी आपको चेन कोड निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। इधर आ गया, तो ये मेरे पॉइंट्स है, ये क्या है मेरे पॉइंट्स है। मुझे क्या करना है? मुझे इसका चेन कोड निकालना है। मुझे क्या करना है? उसका चेन कोड निकालना है और स्टार्टिंग पॉइंट एक दिया रहेगा आपको जो है ये। अब मेरे को इसका चेन कोड निकालना है, तो अब सवाल आता है कि इसका चेन कोड निकालते कैसे। अब सवाल आता है कि इसका चेन कोड निकालते कैसे, बहुत इजी है, चलो मैं निकाल के बताता हूँ। सबसे पहले इसके बेस पे इसको डिफाइन करना है, इसके बेस पे इसको डिफाइन करना है, इसके बेस पे इसको चर्च करना है। तो यहां से शुरू करते हैं और जाता कौन सा? ये साइड, हम इसको क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर, तो मैं पहले यहां पर जाऊंगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो यहां से यहां पर जाने के लिए कौन सा डायरेक्शन जा रहा है? ये वाला जा रहा है, ये डायरेक्शन ले लेता हूं, ये साइड जा रहा हूं मैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0। फिर यहां से यहां पे जाने के लिए मैं कहां जा रहा हूं? नीचे जा रहा हूं, तो वैल्यू क्या हो गई? 3। अब मैं यहां पे आ गया, यहां से यहां जाने के लिए मैं कहां जा रहा हूं? ये साइड जा रहा हूं, तो वैल्यू क्या हो गई? 0। यहां से मैं जाने के लिए इधर की जा रहा हूं, नीचे जा रहा हूं, तो वैल्यू क्या हो गई? 3। अब मैं यहां पे आ गया, यहां से यहां पे जाने के लिए क्या जा रहा हूं? ये साइड जा रहा हूं, वैल्यू क्या हो गई? 2। यहां से यहां पे जाने के लिए किधर जा रहा हूं? देखो बीच में पॉइंट है तो वहां पर रुकना है, ऐसे एक साइड इधर से इधर डायरेक्ट 2 नहीं आएगा, बीच में पॉइंट है वहां पर रुकना है। यहां से यहां जाने के लिए किधर जा रहा हूं? 2, क्योंकि मैं ये डायरेक्शन में जा रहा हूं, यहां पे बीच में भी पॉइंट आएगा। तो यहां से यहां जाने के लिए मैं कहां जा रहा हूं? ऊपर जा रहा हूं तो 1, और यहां से यहां जाने के लिए कितना जा रहा हूं? ऊपर जा रहा हूं तो 1, ठीक है। तो इसका चेन कोड क्या होगा? एकदम इजी, इसका चेन कोड होगा 0 3 0 3 2 2 1 1। क्लियर है? इजी था? कुछ हार्ड था? बिल्कुल हार्ड नहीं यार, एकदम इजी था। यहां इसके बेस पे अपन ने इसको बना लिया, इसके बेस पे, इसके बेस पे अपने इसको बना लिया। अब इसकी बेस्ट चीज क्या है बताएं? इसकी बेस्ट चीज क्या है कि अगर आपको ये नहीं दिया जाए और सिर्फ चेन कोड दिया जाए तो आप इसके चेन कोड के बेस पे ये डायरेक्शन बना सकते हो। कैसे मैं बताता हूं, आपको ये नहीं दिया गया, आपको ये दिया गया। सबसे पहले मैं यहां पे हूं, मैं 0 लूंगा, फिर क्या दिया? 3, मतलब मैं नीचे जाऊंगा, सेम डिस्टेंस लो तो वापस क्या दिया है? 0, तो मैं इधर जाऊंगा। वापस मुझे क्या दिया गया है? 3, मतलब मैं नीचे जाऊंगा। मुझे क्या बोला है? 2, वापस क्या बोला है? 2, फिर क्या बोला है? 1, फिर क्या बोला है? 1। तो देखो चेन कोड के बेस पे आप एक इमेज को रिप्रेजेंट कर रहे हो, चेन कोड के बेस पे आप एक इमेज को रिप्रेजेंट कर रहे हो। मतलब मैंने बोला था ना, मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगा कि किस तरह से रिप्रेजेंट में यूज हो रहा है। तो इस तरह से रिप्रेजेंट में यूज हो रहा है, आपको सारे पॉइंट्स के एक्स वाई कोऑर्डिनेट याद करने की जरूरत ही नहीं है। आपको क्या करना है, समझो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, समझ रहे हो, और यहां पे मेरे को सिर्फ एक्स का और वाई का कोऑर्डिनेट लेगा। फॉर एग्जांपल ये -4 होगा और ये 3 होगा, सिर्फ इसका। और फिर चेन कोड भी अगर मैं याद कर लू ना, सिर्फ इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट और पूरा चेन कोड भी याद कर लू ना, मेरे को हर पॉइंट के एक्स वाई कोऑर्डिनेट याद करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ मेरे को चेन कोड याद करना है ब्रो, बाकी मैं आराम से बना सकता हूँ।
तो ये इसका एडवांटेज है। लेकिन इसकी एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है बताएं, वो मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक और ले लेते हैं 8 पॉइंट का। अब तक तो अपने 4 पॉइंट का दिखाना, एक और 8 पॉइंट का ले ले है तो वो भी साला कंफ्यूजन, सारा कंफ्यूजन हट जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं वापस लिख देता हूं। जीरो से स्टार्ट करना, कभी भी वन से मत करना। बना है बोले यार, हो नहीं रहा। 3 4 5 6 7 इतना क्लियर है। इसको चाहे तो आप डायरेक्शन दे सकते हो इसके अंदर। ये हो गया, ये डायरेक्शन दे दिए। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है ये। तो यहां से मैं यहां जा रहा हूं, तो क्या होगा मेरा, इसकी वैल्यू होगी 0। लाल से लिखता हूं, थोड़ा उभर के आएगा। यहां से यहां की वैल्यू क्या हो गई, 0। यहां से मैं ये साइड जा रहा हूं, मतलब 1। यहां से मैं नीचे जा रहा हूं, किधर से, नीचे जाने की वैल्यू क्या है, यहां से मैं नीचे जा रहा हूं तो 7, क्योंकि ये नीचे साइड 7 जाता है। अब मैं यहां से यहां जा रहा हूं, ठीक है, तो यहां से यहां की वैल्यू क्या थी, 0, जैसा तुम देख सकते हो। अब यहां से मैं नीचे जा रहा हूं तो वैल्यू क्या थी, नीचे का जा रहा है 6 जा रहा है, जैसा तुम देख सकते हो 6 जा रहा है। अब यहां से मैं यहां जा रहा हूं तो कौन जा रहा है, 4 जा रहा है। वापस यहां से मैं यहां जा रहा हूं 4, वापस यहां से मैं यहां जा रहा हूं 4, यहां से मैं ऊपर जा रहा हूं तो ऊपर कौन जा रहा है, 2। मैं यहां पे आ गया, क्लियर। तो सर चेन कोड क्या होगा, चेन कोड होगा 0 1 7 0 6 4 4 4 2। ये हो गया मेरा चेन कोड। आई होप ये आपको समझा होगा, लेकिन पिक्चर यहीं खत्म नहीं हो जाती। मैंने आपको बोला था ना इसका एक डिसएडवांटेज है, तो क्या है डिसएडवांटेज मैं बताता हूं। सीन क्या है ना इसमें, ये अभी चेन कोड में बोला था आप कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन इसमें तीन प्रॉब्लम है, थ्री मेजर प्रॉब्लम है इसकी। सबसे पहली प्रॉब्लम है कि अगर मैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट चेंज कर दूं, इसका मैं स्टार्ट पॉइंट बदल दिया ना, पूरा चेन कोड बदल जाता है, तो हमेशा के लिए ये तो चीज नहीं काम आएगी ना भाई। अगर स्टार्ट पॉइंट गलती से बदल गया तो उसका पूरा चेन कोड बदल जाएगा। दूसरा, अगर मैं इसका रिफ्लेक्स निकालू, इसका मैं रिफ्लेक्स निकालू मतलब इसका आईना बनाऊ, तो भी उसका चेन कोड बदल जाता है। तीसरा, अगर मैं मेरे जो डायग्राम इसको रोटेट कर दू, रोटेशन पे भी इसका चेन कोड बदल जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, तो इसका सोल्यूशन है नॉर्मलाइज चेन कोड, तो अक्सर सवाल में आएगा कि चेन कोड क्या, वो एक्सप्लेन करो और ये बताओ कि वो नॉर्मलाइजेशन से इनवेरिएंट है। मतलब मैं ये क्या बोल रहा है, चेन कोड क्या बोलता है, अगर स्टार्ट पॉइंट चेंज हो गया तो वेरिस हो जाएगा चेन कोड, दूसरा रिफ्लेक्स हो गया तो भी वेरिस हो जाएगा, अगर मैंने अपना डायग्राम को रोटेट कर दिया तो भी बदल जाएगा। इतना क्लियर हो गया। तो अभी इसको किस तरह से, इस डिसएडवांटेज को हटाने के लिए नया चीज पिक्चर में आता है जिसको कहते हैं नॉर्मलाइज चेन कोड, नई चीज पिक्चर में आती है जिसको क्या कहते हैं, नॉर्मलाइज चेन कोड। तो चलो देखते हो क्या होता है। तो अब आ जाता है कि किसी भी चेन कोड को नॉर्मलाइज किस तरह से किया जाए ताकि वो उसके डिसएडवांटेज, स्टार्ट पॉइंट, रिफ्लेक्स और रोटेशन वो हट जाए। ठीक है, कोई कभी भी हम चेन कोड निकाले तो सेम आंसर आए नॉर्मलाइज करने के बाद। तो उसके कुछ स्टेप्स है, तीन स्टेप है, बाहर चार बताए हैं, लेकिन चौथा जो एक मिडल स्टेप है उसका इतना कुछ मतलब नहीं है, इसलिए मैंने तीन ही लिखे, क्योंकि प्रैक्टिकली तीन काम करते हैं। आप थियरी में आपके एग्जाम्स में लिख सकते हो तो यार कुछ नहीं, तो लिखोगे तो वहां पे चलेगा चार, लेकिन सॉल्व में तो तीन ही आते। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है कैलकुलेट द चेन कोड, तो ये तो हम लोग को आता है भाई। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सेकंड स्टेप जो थियरी में दिया है वो है कि इसको सर्कुलर फैशन में ट्रीट करो तो ठीक है, चल साइड में, वो मतलब नहीं आता। अब आ जाते एक्चुअल सेकंड स्टेप है जो क्या है, कैलकुलेट सर्कुलर फर्स्ट डिफरेंस। तो हमें क्या करना है, जो हमने चेन कोड निकाला है उसका सर्कुलर फर्स्ट डिफरेंस कैलकुलेट करना है, जो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से किया जाता है। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, कैलकुलेट नॉर्मलाइज चेन कोड, जिसको शेप नंबर की कहते हैं। तो ये तीन स्टेप है नॉर्मलाइज करने के, चेन कोड को नॉर्मलाइज करने के, या फिर फाइंड नॉर्मलाइज चेन कोड फाइंड करने के, ये तीन स्टेप है। क्लियर है, तो अभी हम क्या लेते हैं, जो पिछला सम हमने लिया था ना, जैसा तुम देख सकते हो कि ये हमने सम लिया था, इसका सबसे पहले क्या करेंगे, हम नॉर्मलाइज चेन कोड निकालेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर उसी सम को मैं स्टार्ट पॉइंट बदल दूं और उसका नॉर्मलाइज चेन कोड निकालू तो भी फर्क नहीं पड़ता, उसको रिफ्लेक्स करूंगा तो भी फर्क नहीं पड़ता, और उसको रोटेट करूंगा तो भी फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आने वाला है। आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। तो चलो मैं करके दिखा दूं तब समझेगा। तो चलो आ जाते इधर, ठीक है, तो अभी आ जाते, ये वही सम है और उसी का चेन कोड है। ठीक है, वही सम है जैसा तुम देख सकते हो, वही समय और उसी का जो चेन कोड है वो मैंने एज इट इज यहां पे लिख दिया। क्या था, 0303 2211 0303 2211। तो अब आ जाता है, ये तो पहला स्टेप हो गया अपना, फर्स्ट स्टेप हो गया, स्टेप क्या था, कैलकुलेट द चेन कोड, सेकंड स्टेप क्या था, कैलकुलेट सर्कुलर फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड स्टेप क्या था, कैलकुलेट सर्कुलर फर्स्ट डिफरेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, सी एफ डी,
इसको हम बोलते हैं सीएफडी। तो अब सवाल आता है सीएफडी निकालते कैसे। अरे बहुत इजी है सीएफडी निकालना, बहुत इजी है, हर जगह ये चीज यूज होती है। हर जगह कौन सी, ये वाली चीज यूज होती है। हाँ तो इसकी जगह मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया क्योंकि यहाँ पे टू ऊपर है तो कन्फ्यूजन ना हो जाए अगर मैं यहाँ पे वन लिखूंगा तो यहाँ पे लिख दिया। तो ये चीज फोर कनेक्टेड के बेस पे आप क्या निकाल सकते हो, फर्स्ट डिफरेंस। क्या निकाल सकते हो, सर्कुलर फर्स्ट डिफरेंस। तो किस तरह से निकाला जाता है सर्कुलर फर्स्ट डिफरेंस, तो बताता है तुम्हारा भाई अभी या चमोरे। तो बहुत इजी है, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, सिंपल सा, जीरो और थ्री के बीच में कितना डिफरेंस है एंटी क्लॉकवाइज। जीरो को तीन पे पहुंचने को कितना डिफरेंस लगेगा, एक दो तीन। एंटी क्लॉकवाइज जाना, डायरी के यहाँ पे उड़ी नहीं मारनी है, घूमना है, समझो। तो एक दो तीन लगेगा, कितना लगेगा, तीन। इतना क्लियर हो गया। अब तीन को जीरो पे जाने के लिए कितना लग रहा है, थ्री को जीरो पे एंटी क्लॉकवाइज से जा रहे हैं, एक लग रहा है, कितना लग रहा है, एक। अभी जीरो को तीन पे जाने पे वापस जीरो को तीन पे जाना है तो एक दो तीन। अब तीन को दो पे जाना है, तीन को दो पे जाना है तो ऐसे नहीं जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज से जाएगा। तो कभी कंफ्यूज मत होना, कभी भी लोग कंफ्यूज कर जाते कि अरे अभी तो इसको इधर ही जाना है, नहीं, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घूमने का। कैसा एंटी क्लॉकवाइज, एक दो तीन, हाँ तीन लगा तो तीन डायरेक्ट, ठीक है। तो अभी अपन किधर से, तीन से दो पे, अब दो से दो पे तो खुद को खुद पे आने के लिए कितना लगेगा, ऑब्वियसली जीरो। अब दो से एक पे, दो से एक पे आने को उल्टा जाने का, एक दो तीन, तीन लगेगा। एक को एक पे आने को कितना टाइम लगेगा, जीरो। और एक को जीरो पे आने को, एक को जीरो पे आना है तो एक दो तीन, एंटी क्लॉकवाइज गए, एक दो तीन। तो ये मेरा बन गया क्या, सर्कुलर फर्स्ट डिफरेंस। क्या बन गया, सर्कुलर फर्स्ट डिफरेंस। अब आ जाते हैं नॉर्मलाइज फर्स्ट, नॉर्मलाइज सर्कुलर फर्स्ट डिफरेंस जिसको कह सकते हैं, या फिर नॉर्मलाइज चेन कोड कह सकते हैं। इतना क्लियर हुआ। तो थर्ड स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप था नॉर्मलाइज चेन कोड निकालना, या फिर शेप नंबर भी कहते हैं उसको, या फिर इसको ये भी कह सकते हैं अपन नॉर्मलाइज सर्कुलर फर्स्ट डिफरेंस। तो उसको कैसे निकालते हैं, उसको निकालना तो इससे भी इजी है, उसको निकालना इससे भी इजी है। आप बोलोगे क्या बात कर रहे हैं, एनसीएफडी कहते हैं इसको, ठीक है। कुछ नहीं करना, सबसे पहले ढूंढने का कि मेरे जो सीएफडी में जीरो कहां पे, मेरे सीएफडी में जीरो कहां पे। तो जैसा आप देख सकते हो यहां पे जीरो, पहला जीरो यहां पे, तो वहां से लिखने का जीरो थ्री जीरो थ्री। जो बचा हुआ आगे का पार्ट है उसको पीछे डाल दो, ये पार्ट, ये पार्ट बचा हुआ था थ्री वन थ्री थ्री, लिख दो थ्री वन थ्री थ्री। तो ये आपका एनसीएफडी है, नॉर्मलाइज चेन कोड है, जिसको शेप नंबर अलग अलग नाम है, लेकिन ये आपका आंसर है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको चेन कोड निकालना है, फिर क्या करना है, सीएफडी निकालना है, सर्कुलर फर्स्ट डिफरेंस। बहुत इजी है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। यहां पे हो पीछा नंबर, पिछला नंबर चाहिए, यहां पे हो पिछला नंबर चाहिए, मतलब सीधा तीन का डिफरेंस। नहीं समझ रहा तो सीधा एंटी क्लॉकवाइज घूमो, कोई बात नहीं, टाइम लगेगा चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूम के पता करो। तो आप कंफ्यूज हो जाते, अरे यार तीन से एक पे जाना कितना लगेगा, इधर से एक लग रहा है, इधर से तीन लग रहा है, नहीं, सिंपल सा एंटी क्लॉकवाइज जाने का, तीन से एक, जीरो पे जाने के लिए एक लग रहा है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा हूं। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी को उल्टा घुमाना, ऐसी घूमती है ना तो ऐसा घुमाना। तो तीन से जीरो पे जाने के लिए कितना लग रहा है, एक लग रहा है, लेकिन एक से जीरो से तीन पे आना है तो जीरो से तीन पे आना है तो कितना लगेगा, जीरो से एंटी क्लॉकवाइज जाना, एक दो तीन, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज जाना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये इस तरह से हम नॉर्मलाइज चेन कोड निकालते हैं। तो यहां आपने दुर्घटना खत्म नहीं, यहाँ पे अपना सिर्फ हम लोगों को पता चला है कि नॉर्मलाइज चेन कोड किस तरह से निकालते हैं, लेकिन अपने को क्या डिसएडवांटेज था कि यार इसका स्टार्ट पॉइंट चेंज करते ना अपन चेंज कोड का, तो क्या हो जाता है सुमेर, स्टार्ट पॉइंट चेंज करते हैं ना तो यार चेन कोड बदल जाता है। तो अभी हमें स्टार्ट पॉइंट चेंज करके चेक करना है कि क्या अपना नॉर्मलाइज चेन कोड अगर सेम आ रहा है, मतलब तकलीफ नहीं है, ठीक है। चेन कोड बदलेगा तो मतलब ही अपने को क्या लाना कि नॉर्मलाइज चेन कोड, क्योंकि अभी हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मलाइज चेन कोड। तो चलो स्टार्ट पॉइंट बदलते हैं, उसका सीएफडी निकालते हैं और उसका उसके बाद नॉर्मलाइज चेन कोड निकाल के चेक करते हैं कि क्या सही है कि गलत है, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया। अब वही सम चेंजिंग स्टार्टिंग पॉइंट, चेंजिंग स्टार्टिंग पॉइंट। अब आप बोलो कौन सा लू, एक काम कर, सुनो ना ये वाला ले ले, ये वाला ले लू, चलो ये वाला लेते, ठीक है। अपन किस तरह से बनाते ये, ठीक है, जीरो वन टू थ्री। चलो तो सबसे पहले क्या करना है, चेन कोड निकालना है। यहां से यहां पे जाने के लिए कौन सा है, जीरो। यहां से नीचे जाने के लिए कितना है, नीचे जाने के लिए थ्री। यहां से यहां पे जाने के लिए टू टू, यहां से ऊपर वन वन, जीरो थ्री निकल गया। तो इसका चेन कोड क्या होगा, जीरो थ्री टू टू वन 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 वन
जीरो और नीचे थ्री, ये बन गया मेरा चेन कोड। सिंपल है, क्या था, 03221103। अपने एग्जैक्ट पॉइंट पे वापस आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे इसका निकालना है CFD, ठीक है, मुझे क्या निकालना है, इसका CFD निकालना है। तो मैं रुक जाओ भाई, चलो इसका CFD निकालते हैं। जीरो से तीन में डिफरेंस कितना है, जीरो से तीन में कितना डिफरेंस है, तीन का। तीन से दो का डिफरेंस कितना है, तीन से दो का डिफरेंस कितना है, तीन का। दो से दो का डिफरेंस कितना है, सेम नंबर पे डिफरेंस जीरो होता है। दो से एक का डिफरेंस कितना है, तीन। एक से एक का डिफरेंस कितना है, जीरो। एक से जीरो का डिफरेंस कितना है, तीन। जीरो से तीन का डिफरेंस कितना है, जीरो से तीन का डिफरेंस कितना है, तीन। इतना क्लियर हो गया, जीरो से तीन का डिफरेंस कितना है, तीन। और तीन से जीरो का डिफरेंस क्या है, तीन से जीरो का डिफरेंस होता है एक। इतना क्लियर हो गया, हाँ हो गया। चलो आगे बढ़ते, अब क्या करना है, NCFD निकालना है, नॉर्मलाइज चेन कोड। अब क्या करना है, नॉर्मलाइज चेन कोड निकालना है। चलो निकालते, सबसे पहले क्या ढूंढने का, जीरो किधर है, पहला जीरो, पहला जीरो ये रहा, तो लिखो उनको 0 3 0 3 3 1। इसके आगे की जो भी वैल्यू हो एग्जैक्ट पिछाएगी, ये अक्खा खा इधर आ जाएगा 3 3। यार अभी चेक करते अपना, अभी अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो जैसा तुम देख सकते हो, बाकी कोई वैल्यू चेक नहीं करनी है, सिर्फ NCFD चेक करना है। NCFD अभी अपना क्या आया, 0 3 0 3 3 1 3 3। और अपने को पिछला वाला जब चेंज, अपना फर्स्ट पॉइंट ये था, क्या था, 0 3 0 3 3 1 3 3। एग्जैक्टली, कुछ फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा ब्रो, दैट्स द एडवांटेज, इसलिए हम लोग नॉर्मलाइज करते। तो इतना क्लियर हो गया कि स्टार्ट पॉइंट चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो पहला चीज प्रूफ हो गई, नॉर्मलाइज चेन कोड में स्टार्ट पॉइंट चेंज करने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। चेन कोड में पड़ता था, लेकिन इसलिए तो हमने नॉर्मलाइज किया है। तो इसी तरह से हम रिफ्लेक्स का भी निकाल देते हैं, रोटेशन का भी निकाल देते हैं, और फिर तीनों का चेक करेंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आई होप ये आपको समझ रहा है, तो आप उतना तो समझ के ले सकते हो। तो चलो अब आप कहा जाते हैं, रिफ्लेक्स मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्स मतलब कुछ नहीं होता, रिफ्लेक्स बोले तो इसी का आईना, इसी का एग्जैक्ट आईना। इतना क्लियर हो गया, तो इसी का एग्जैक्ट आईना, तो उसका आईना मैंने यहाँ पे बनाया। स्टार्ट पॉइंट कौन सा लो, कौन सा भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं ये वाला ले लेता हूं, तो अपना अपन बना लेते हैं अपना 0 1 2 3, ठीक है। तो यहां से यहां पे जाने के लिए कितना लग रहा है, 0। यहां से ऊपर जाने के लिए क्या लग रहा है, 1। यहां से यहां पे जाने के लिए क्या लग रहा है, 0। यहां से नीचे आने को कितना लग रहा है, 3। यहां से नीचे आने को कितना लग रहा है, 3। यहां से यहां पे जाने को कितना लग रहा है, जगह नहीं लग रहा है, 2। और यहां से यहां पे जाने के लिए 2, यहां पे ऊपर जाने के लिए 1, ठीक है। अब इसका चेन कोड लिख लेता हूं मैं, चेन कोड क्या होगा इसका, यहां से 0 1 0 3 3 2 2 1, क्लियर है, 0 1 0 3 3 2 2 1, 0 1 0 3 3 2 2 1, एग्जैक्टली। अब इसका CFD निकाल दे, अब हम इसका क्या निकालते हैं, CFD। तो चलो इसका सर्कुलर फर्स्ट डिफरेंस निकाल के चेक करते हैं। तो 0 और 1 के बीच में डिफरेंस कितना है, 0 और 1 कितना है, 1, क्लियर, क्योंकि एंटी क्लॉक में जाऊंगा। तो 0 से 1, 1 से 0, 1 से 0 कितना है, 3, क्लियर है। और 0 से 3, 0 से 3 कितना है, 3। और 3 से 3, 0। 3 से 2, 3 से 2 कितना है, 3। 2 से 2 कितना है, 0। 2 से 1 कितना है, 3। 1 से 0 कितना है, 1 से 0 कितना है, 3। अब अपना काम क्या था, अपना काम क्या था, सबसे पहले NCFD निकालने के लिए क्या करना था, हमें क्या करना था, 0 ढूंढना था। यहां है, तो यहां से लिखना शुरू कर दो, 0 3 0 3 0 3 0 3 3, फिर ये वाला जो भी है एज इट इज पीछे लिख दो 1 3 3, क्लियर है। ये हो गया रिफ्लेक्स का, बाद में चेक करते यार, अगर आपको चेक करना है तो आपको जानते हो कि अपना NCFD सेम आया, क्या था, 0 3 0 3 3 1 3 3। ये यही प्रूफ हो गया, लेकिन बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्स में भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, रिफ्लेक्स नॉर्मलाइज सेम ही आता है, रिफ्लेक्स भी कर दो, कोई भी पॉइंट ले लू वहां पे भी, तो नॉर्मलाइज सेम ही आता है। इतना क्लियर हो गया, हाँ क्लियर हो गया। तो अब एक और चीज मैं बता देता हूं आपको, एक और चीज बता देता हूँ, रोटेशन। अक्सर एग्जाम में सवाल पूछते 10 मार्क्स के लिए, कि पहले तो चेन कोड क्या होता है वो बताओ, तो आप बता देना, थियोरी में क्या है, रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है। उसके बाद बोलते हैं यार उसको इनवेरिएंट प्रूफ करो रोटेशन में, तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताना कि भाई ये स्टेप होते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से रोटेशन इनवेरिएंट होता है, मतलब बदलता नहीं है, अगर मैं रोटेट भी कर दूं तो भी मेरा नॉर्मलाइज चेन कोड बदलने नहीं वाला, तो रोटेशन करना कैसे। देख भाई ये चीज मेरे को भी, तो मैं तो क्या कर देता था, सीधा पेज उल्टा कर देता था, तो ऐसा डायग्राम बना देने का एज इट इज, ठीक है। पॉइंट कौन सा लेना है सुमेर, कोई भी ले लो, पॉइंट कौन सा लेना है कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो मैं ये वाला लेता हूं, ठीक है। तो अभी अपन इसको कैलकुलेट करते हैं, 0 1 2 3,
इतना क्लियर हो गया। चलो तो यहां से यहां पे जाने के लिए मेरे को कितना लग रहा है, वन, यहां से यहां पे जीरो जीरो, नीचे आ रहा हूं, नीचे आ रहा हूं मतलब क्या होगा, तीन तीन दो, ऊपर जा रहा हूं एक, यहां पे जा रहा हूं दो, क्लियर है। तो सर चेन कोड क्या होगा, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं क्योंकि यार मैंने कब से इसको प्रैक्टिस किया, तीन चार बार, आप भी इसको प्रैक्टिस करोगे तो आप भी आराम से कर पाओगे, आप भी इसको प्रैक्टिस करोगे तो आप भी इसको आराम से कर पाओगे। तो चलो इसको सीसी निकालते, सीसी क्या होगा, वन जीरो जीरो थ्री थ्री टू वन टू, क्लियर है। अभी इसका सीएफडी निकालते, तो सीएफडी क्या होगा, सीएफडी विल बी वन और जीरो के बीच में डिफरेंस कितना है, वन और जीरो के बीच में डिफरेंस है तीन का, जीरो और जीरो के बीच में डिफरेंस कितना है जीरो का, जीरो और थ्री के बीच में डिफरेंस कितना है, जीरो और थ्री के बीच में डिफरेंस है तीन का, तीन और तीन के बीच में डिफरेंस कितना है जीरो का, तीन और दो के बीच में, तीन और दो के बीच में डिफरेंस कितना है तीन का, दो और एक के बीच में डिफरेंस कितना है तीन का, एक और दो के बीच में, एक और दो के बीच में डिफरेंस है एक का, और दो और एक के बीच में डिफरेंस कितना है, दो और एक के बीच में डिफरेंस है तीन का। अब अपन इसका एनसीएफडी निकाल देते हैं, तो एनसीएफडी क्या होगा, जीरो थ्री जीरो थ्री वन, हाँ जीरो थ्री जीरो थ्री थ्री वन थ्री थ्री वन थ्री, और ये वाला थ्री एज इट इज पीछे चला जाएगा, तो जीरो थ्री जीरो थ्री थ्री वन थ्री थ्री। अगर आप देखोगे तो किसी को भी देख लो, ये वाला था मेरा जीरो थ्री जीरो थ्री थ्री वन थ्री थ्री, हाँ भाई जीरो थ्री जीरो थ्री थ्री वन थ्री थ्री, हाँ भाई, और ये मेरा चेंज बनगा जीरो थ्री जीरो थ्री थ्री वन थ्री थ्री, एक्जैक्टली सेम है। तो ये था चेन कोड का वीडियो, पूरा इमेज प्रोसेसिंग का अगर आप कोर्स करना चाहते हो तो www.lastmotivation.com पे जाके कर सकते हो, आपको पूरे 30 से ज्यादा वीडियोस मिलेंगे इसी तरह से बेस्ट एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए, अच्छा लगा तो शेयर करो अपने दोस्तों को जो अपनी लास्ट मोमेंट पढ़ते हैं, ताकि उनको भी ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मेरे को बहुत मजा आया, और इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो पूरा कोर्स आप वहां पे मिलेगा www.lastmotivation.com पे, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स।